इंडिया में वीकली तीन से चार स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं और मंथ में बीस से पच्चीस और लॉन्च करने से ज्यादा कंपनी उसके प्रमोशन में ध्यान देती है कि कहीं उनका स्मार्टफोन रेस में पीछे ना हो जाए और इसके बाद होती है फेक मार्केटिंग पहले मार्केटिंग होते थे क्वार कैमरा वर्चुअल रैम को लेकर लेकिन अब होते हैं बिल्ड क्वालिटी आई रेटिंग प्रोसेसर नेमिंग और सबसे ज्यादा ए को लेकर तो आज इस सारे टॉपिक आरोप बात करेंगे की कैसे कंपनी अपने स्मार्टफोन की फेक मार्केटिंग करके आपके साथ स्कैम करती है और कुछ टेक यूट्यूबर भी इसमें साथ देते हैं आप देख रहे हैं टूंगू टैक और मैं ऐसी टेक रिलेटेड लेकर आते रहता हूँ तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपको स्कैम के साथ उससे बचने के उपाय भी बताऊंगा तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए पहले आते थे स्नैप ड्रैगन सिक्स ट्वेंटी स्नैप ड्रैगन सिक्स थर्टी टू स्नैप ड्रैगन सिक्स सिक्सटी बिगर द नंबर बेटर इज परफॉर्मेंस सिंपल बट अब आते हैं तो स्नेपड्रैगन एटेस जैन थ्री प्रोसेसर स्नै ड्रैगन एट जैन थ्री और स्नेपड्रैगन एट जैन टू के बीच में परफॉर्म करता होगा बट ऐसा नहीं है स्नैप ड्रैगन एट एस जैन थ्री प्रोसेसर स्नैपड्रैगन ड्रेगन एट जैन टू ऐसी भी बिलो से बेटर परफॉर्म करता होगा लेकिन ऐसा भी नहीं है ये स्नैपड्रैगन ड्रैगन सिक्स जैन वन से बिलो परफॉर्म करता है और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है सेम टेक्निक आपको मीडिया टेक में भी मिल जाएगी जहाँ नथिंग ने सेम एफ फोन वन लॉन्च किया विद डायमेंटी सेवन थ्री डबल जीरो प्रोसेसर जो बाय नंबर सेवन टू डबल जीरो ऐसी बेटर है और इन्होंने इसे मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन अंडर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज नाम से भी लॉन्च के पहले एडवर्ट किया बिगर नंबर बेटर परफॉर्मेंस बट नहीं ये सेवेंटी फिफ्टी बेटर परफॉर्म करता है न की सेवन टू डबल जीरो तो स्मार्टफोन कंपनी और प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर साथ में मिलकर आपके साथ स्कैम कर रही है तो कभी भी स्मार्टफोन परचेस करें, तो उसका स्कोर जरूर चेक कर ले हायर नंबर बेटर परफॉर्मेंस पीक ब्राइटनेस अभी के टाइम पर मार्केट में सबसे हाई स्कैम में से एक है जहां कंपनी 3000 थाउजेंड नीट से लेकर 4500 फाइव हंड्रेड और इवन सिक्स थाउजेंड निट्स तक की पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले क्लेम करती है तो क्या है पीक ब्राइटनेस जब स्मार्टफोन की डिस्प्ले एच डी में किसी सीन में सबसे ज्यादा ब्राइट दिखती है यहाँ पूरी स्क्रीन उतनी ब्राइट नहीं होती है सिर्फ एक पिक्सल उतनी ब्राइटनेस अचीव करता है और कंपनी उसे पीक ब्राइटनेस के नाम से मार्केटिंग करना शुरू कर देती है इसके अलावा दो और ब्राइटनेस मोड होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट मैनुअल ब्राइटनेस जो आप मेनुअली सेट करते हैं सेकेंड हाई ब्राइटनेस मोड एच जो डिस्प्ले ऑटो ब्राइटनेस मोड में ब्राइट सनलाइट में अचीव करती है और यही ब्राइटनेस आपके काम आती है तो पीक ब्राइटनेस की गेमिंग से बचे और एच में फोकस करें कंपनी जब अपनी स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो प्राइस रिवेल करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने इफेक्टिव प्राइस की मार्केटिंग करती है ना कि एक्चुअल प्राइस की इफेक्टिव प्राइस आफ्टर कार्ड डिस्काउंट मिलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट कार्ड पर ही ऑफर मिलते हैं और सभी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं लाइक सैमसंग गैलेक्सीव जी की एक्चुअल प्राइस है 20, रुपीस, बट कंपनी की मार्केटिंग है 16, रुपीस, और ये प्राइसिंग आपके दिमाग में बैठ जाती है और आप उस स्मार्टफोन को उस प्राइस के हिसाब से जज करते हैं और जब परचेज करने की बारी आती है तो आपको पता चलता है की ये तो आफ्टर कार्ड डिस्काउंट मिलता है तो या तो आप उस स्मार्टफोन को रिजेक्ट कर देते हैं और अपना बजट स्ट्रेच करके सेम स्मार्टफोन परचेज करते हैं और आपको तीन से चार हजार रूपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं जो आपके बजट में कभी था ही नहीं स्मार्टफोन कंपनी अपने 15,000 के स्मार्टफोन को सीधे आईफोन से ही कंपेयर करती है लाइक इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे रेन वाटर टच जिसे अगर डिस्प्ले में पानी हो तो भी स्मार्टफोन की डिस्प्ले प्रॉपर वर्क करती है और किसी स्मार्टफोन में 6,000 थाउजेंड की पीक ब्राइटनेस देकर उसे फिर गैलेक्सी एस ट्वेंटी अल्ट्रा और आईफोन से कंपेयर कर देते हैं ये स्मार्टफोन कुछ पॉइंट में बेटर हो सकते हैं बट ओवरऑल ये स्मार्टफोन अपने प्राइस को ही जस्टिफाई कर पाते हैं ना कि आईफोन की प्राइसिंग को तो आप किसी भी प्राइस में स्मार्टफोन परचेस करें पहले उस स्मार्टफोन के सारे फीचर्स चेक कर लें, उसके बाद ही स्मार्टफोन परचेज करें एक स्मार्टफोन में अगर अच्छी बिल्ड डिजाइन हो तो लुक्स और फील प्रीमियम होती है और साथ में अगर आई पी की रेटिंग मिले तो सोने पर सुहागा लेकिन जब उसी बिल्ड के नाम पर बस अगर कंपनी मार्केटिंग करे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्मार्टफोन बाकी जगह में वीक हो जाते हैं और उनमें कॉस्ट कटिंग की जाती है और उसकी एक्स्ट्रीम लेवल पर फेक मार्केटिंग करते हैं लाइक ओप्पो एफ ट्वेंटी सेवन प्रो प्लस जो रोलर कोस्टर के नीचे आने पर भी नहीं टूटता है और इवन आई पी की रेटिंग के कारण इसको वॉशिंग मशीन में भी कुछ नहीं होता है बट सेम टाइम अगर स्मार्टफोन वाटर डैमेज हो जाए और स्क्रीन क्रैक हो जाए तो कंपनी इसे वारंटी में कवर नहीं करती है और सारे ही स्मार्टफोन इतने ड्यूरेबल तो होते हैं कि वो फ्लैट सरफेस पर गिर के आसानी से सरवाइव कर जाए इस सब के बाद भी आप अपनी स्मार्टफोन की सेफ्टी खुद रखें और एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर जरूर यूज करें स्मार्टफोन मार्केट में एआई के नाम से आपको बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाएंगे जिसमें प्रोसेसर कैमरा यू उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती है लेकिन ए भर भर के मिल जाएंगे एक तीस के स्मार्टफोन में पंद्रह के स्मार्टफोन का प्रोसेसर लगाकर उसे ए के नाम से बेचा जाता है और इनमें से कई ए आपको गूगल पर फ्री में मिल जाएगी और गूगल फोटोस में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं पर नहीं हम पंद्रह हजार रूपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं लेकिन गूगल फोटोस के फीचर्स यूज नहीं कर सकते अगर स्मार्टफोन में उस प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोसेसर कैमरा यू मिलती है उसके बाद आपको उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं तो वो आपके काम के है कंपनी अपने प्रोडक्ट की एक्स्ट्रीम लेवल पर फेक मार्केटिंग करती है फिर या वो कैमरा कम्पेरिजन हो और आई की रेटिंग और ड्यूरेबिलिटी जहां आपको रोलर कोस्टर के नीचे भी स्मार्टफोन सरवाइव कर जाता है बट आपको किसी स्मार्टफोन के फिजिकल और वाटर डैमेज पर वारंटी नहीं मिलती है और जब कंपनी आपके स्मार्टफोन में प्राइस कटिंग करती है तो उसकी एस्टीम लेवल पर फेक मार्केटिंग करती है फिर वो बिल्ड क्वालिटी में हो और आईपी सिक्सटी नाइन की रेटिंग और इवन एआई के फीचर्स फेक मार्केटिंग के साथ पेड प्रमोशन भी बहुत होते हैं कंपनी इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन भी कराती है लाइक श्रद्धा कपूर को तो आपने ओप्पो के पार्टनरशिप में देखा ही होगा लेकिन कभी ओप्पो के स्मार्टफोन यूज करते हुए नहीं देखा होगा और कंपनी यूट्यूबर के साथ कोलाबोरेट करके भी स्मार्टफोन के प्रमोशन करती है जहाँ सिर्फ एक या दो चीजों पर ही फोकस किया जाता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा की ये पेड प्रमोशन है और इससे बचने के लिए आप हमेशा अपने प्राइस के बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियो पहले चेकआउट कर लें क्योंकि ये प्रमोशन मन बन नहीं बनते हैं लाइक like दिस वन बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज जिसमें मैंने ट्वेंटी थाउजेंड तक सारे कैटेगरी के, के स्मार्टफोन को कवर किया है फॉर बेस्ट कैमरा बेस्ट यू और बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस और आपको ऐसे कई क्रिएटर के वीडियो भी मिल जाएंगे स्मार्टफोन परचेज करने ऐसी पहले आप अपना बजट सेट करें और अपने यूज केस को टारगेट करने वाले स्मार्टफोन चूज करें तो आप किसी भी बजट में अपने लिए परफेक्ट स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप बेस्ट प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन टारगेट करेंगे मूवी के लिए बेस्ट डिस्प्ले विथ स्पीकर और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी स्मार्टफोन गाइड की वीडियो देख सकते हैं जो आपको एक परफेक्ट स्मार्टफोन सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी और कोई डाउट हो और स्मार्टफोन परचेस करने में इशू आ रहा हो तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो में ये सारी चीजें मेंशन करके कमेंट करिए मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा टू बाई ए परफेक्ट स्मार्टफोन और लैपटॉप परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो ये सारी चीजें करके कमेंट कर सकते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू दें और अगर आपको ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ऐसी अबोव प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा कैशबैक एस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं और ऐसी टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें धन्यवाद